नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेष राशि वाले प्रेमियों कैसे हो दोस्तों? ग्रह गोचर के अनुसार जून माह प्रेम संबंधों के लिहाज से काफ़ी सकारात्मक दिखाई दे रहा है। पुराने प्रेम संबंध हो या नए, दोनों के संबंध में ग्रह गोचरीय स्थिति सहयोग कर रही है। परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। पूरे महीने प्रेम प्यार एवं रोमांस कारक शुक्र की आप पर कृपया बनी रहेगी। शुक्र के सहयोग से प्रेम संबंध मधुर मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित होंगे। 18 जून तक शुक्र आपकी राशि में ही संचार करेगा। सौंदर्य कारक शुक्र का राशि में गोचर आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में गजब का निखार पैदा करेगा। आपका झुकाव भी अपने सौंदर्य और साज सज्जा की ओर कुछ अधिक रहेगा। सज धज कर इत्र लगाकर प्रेमी जन से मिलना पसंद करेंगे। शुक्र के प्रभाव से प्रेमी जन देखते ही आप पर मोहित होगा। राशि में शुक्र का संचार चुंबकीय व्यक्तित्व का स्वामी बनाता है। चेहरे पर अद्भुत सा तेज देखने को मिलता है। आपकी राशि का प्रेम प्यार भाव और प्रेम प्यार कारक शुक्र दोनों राहु और शनि से भी ग्रस्त हैं, इसलिए इस समय आपके मन में शरारत चालाकी और चतुरता का भाव भी रहेगा। राहु एवं शनि के प्रभाव से प्रेमी जन से झूठ बोलना और बातों को गुप्त रखना आम बात है। दोस्तों 15 जून तक आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव के स्वामी सूर्य द्वितीय भाव पर संचार करेगा। इस समय प्रेमी जन के साथ बात करते समय वाणी पर नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी। आपकी वाणी द्वारा कटु वचन का प्रयोग प्रेमी जन की नाराजगी का भी पात्र बना सकता है। जल्दबाजी में वाणी का प्रयोग ना करें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक वाणी का प्रयोग करें। नए प्रेम प्रसंग बनाने जा रहे हैं तो 15 जून तक टाल दें तो बेहतर है। अभी वाणी आपका साथ नहीं देगी। वाणी पर गर्म क्रिया सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए जोश जोश में वाणी का गलत प्रयोग हो सकता है। 15 जून के बाद प्रेम संबंध बनाने के लिए समय अधिक बेहतर है, क्योंकि 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब वाणी भाव सूर्य से मुक्त हो जाएगा। पराक्रम भाव पर सूर्य का गोचर आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत निखार आएगा। सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित होगा। प्रेमी जन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों 15 जून के बाद प्रेमी जन के साथ समय व्यतीत करने और घूमने फिरने के अवसर मिलेंगे। कोई नज़दीकी यात्रा कर सकते हैं। 18 जून को शुक्र भी राहु एवं शनि के प्रभाव से मुक्त होकर द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र और बुध का द्वितीय भाव पर गोचर आपकी वाणी को बहुत प्रभाव युक्त बनाएगा। वाणी में कोयल जैसी कोमलता और मधुरता का भाव पैदा होगा। आपकी बातें मंत्र मुग्ध कर देने वाली होगी। इस समय प्रेमी जन के साथ घर के बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जाने का कार्यक्रम बनेगा। प्रेम संबंधों में पहले से अधिक लगाव बढ़ेगा। मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। 18 जून के बाद प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की शुभता से प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। एक दूसरे के प्रति अधिक विश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। लेखन एवं संचार के माध्यम से प्रेमी जन से अपने प्रेम का इजहार करेंगे। प्रेम प्यार भाव के स्वामी सूर्य का संचार भाव पर गोचर से अधिक समय सोशल मीडिया पर प्रेमी जन के साथ समय व्यतीत करेंगे। इस समय सिंगल दोस्तों के सोशल मीडिया पर नए प्रेम प्रसंग बन सकते हैं। दोस्तों 27 जून को राशि स्वामी मंगल भी राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि में ही राशि स्वामी मंगल का गोचर आपको ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा। स्वभाव में बने हुए आलस, थकान, सुस्ती और कमजोरी जैसे भाव दूर होंगे। नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। इस समय प्रेम संबंधों को लेकर आप बहुत उत्साहित रहेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के मोर्चे पर जून माह काफ़ी सकारात्मक रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।